मिर्जापुर चुनाव कोतवाली के अंतर्गत अदरपुरा में अवैध तरीके से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। होटल में छापेमारी के दौरान अलग अलग कमरों में 13 युवकों और 16 युवतियों पकड़ी गई। पुलिस की छापेमारी से होटल के संचालक मौके से हुआ फरार। मुखबिर से पुलिस की सूचना मिली कि अदरपुरा स्थित वाहन स्टैंड के बगल में एक लॉज में कुछ लड़के और लड़कियां ठहरे हुए हैं, जिसकी सूचना सीईओ चुनार को मिली और सीईओ के निर्देशन पर कोतवाल चुनार रमेश यादव ने लॉज पर छापा मारकर 13 लड़कों और 15 लड़कियों को बरामद किया। पुलिस ने पकड़े हुए सभी लड़कों और लड़कियों को थाने में लेकर उनसे पूछताछ में जुट गई। कोतवाल रमेश यादव ने बताया कि संचालक के खिलाफ मुकदमा कायम कर कार्रवाई की जा रही है और कहा कि लॉज के नीचे मीठे की दुकान है जिसका संचालन संचालक द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं की देखरेख में होटल में संचालित हो रहा था ये सेक्स रैकेट। पकड़े गए लड़का और लड़की से पूछताछ के बाद पुलिस ने युवक और युवतियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की। यहाँ पे हो रहा था काफी दिनों से ये सेक्स रैकेट चल रहा था। काफी दिनों से हम ग्रामवासियों ने रोकने के लिए आए कई दफा, लेकिन ये कार्य कुछ समय तक रुका लेकिन हाड़ में चलता भी रहा। आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को नहीं सूचना दिया? सूचना दी है लेकिन सब मिले हुए हैं। यहाँ जितने भी इंचार्ज आए सब महाजन से मिले हुए थे और काम चलता रहा। महाजन कौन है? रामराज यादव, नंदूपुर के रहने वाले, अब यहाँ के भी ग्राम निवासी हो चुके हैं। यहाँ का रोजगार भी मिलकर काम करवा रहा है। अच्छा, पैसा ऐसा लेता है। कितने दिन से चल रहा है ये काम? ये काम तो लमसम दो तीन साल, कई साल हो चुके हैं। तीन साल से चल रहा है। उससे ज्यादा ही हो गया होगा, कोई लिमिट नहीं है। करीब तीन साल से ज्यादा ही हो रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया, कई बार इस पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पे केस भी करा गया, लेकिन एक दो बार कंप्लेन करने के बाद पुलिस वालों ने हम लोगों के साथ समझौता किया, गांव वालों के साथ समझौता किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने जांच किया। जो कि आज कोई गुप्तचरों के द्वारा जो कि मिर्जापुर सूचित किया गया, उसके बाद यहाँ पे छापा मारा गया, जिसमें कि कम से कम करीब 34 से 35 लोग गिरफ्तारी में आए हुए। अच्छा, रूम